कानों में हरि कथामृत का अमृत डालते रहोगे तो विषयों का विषधर इसमें अपना प्रभाव नहीं जमा पाएगा। जिस बिल में भुजंग बैठा हो उसमें कोई विषधरी ही प्रवेश कर सकता है, विषैला जीव ही जा सकता है, और कोई सामान्य जीव गया तो मारा जाएगा। इसलिए कान क्या है? बिल है। और इस बिल में भव भुजंग यदि बैठ गया, संसार के विषयों का विष जिसमें भरा हो, ऐसा विषैला विषय वार्ता इस कान से ज्यादा सुनोगे तो समझ लो सांप आपके बिल में घुस गया। अब जिनके कानों को विषय वार्ता में चस्का आने लगा हो, विषय रस भाने लगा हो, उसके सामने तुम वेद वेदांत की बातें करो तो या तो जाएगा, क्योंकि अभ्यास नहीं है। इंद्रियों को अभ्यस्त करना पड़ता है। तो आपने विषय वार्ता कानों को सुनाई तो इस विश्वव्याप्त जो भुजंग है जब वो बैठ गया इस बिल में तो भगवान की कथा कैसे बैठेगी? इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा समाना। अहि भवन, अहि माने सर्प, सांप का घर बन जाएगा ये कान यद आपने हरि कथा का अमृत इसमें नहीं डाला तो। इसलिए मम कर्ण रसायनम, हरि कथा अमृत का यह रसायन हमारे कानों में डालिए सूत जी महाराज, ताकि वह अमृत हमारे अंतःकरण को पावन करे। बाहर की सफाई अच्छी है पर मन प्रसन्न, तो आप भले ही उनसे दो मिनट अपनी कोई बात कहने गए थे, कोई सूचना देने गए थे, पर दो मिनट की जगह दस मिनट क्या बल्कि एक घंटा भी आपको बैठाया जाए तो आराम से बैठे रहोगे, क्योंकि जहां देखो न जाने अनाज के कितने भरे हुए थे, उसमें कितनी दवाइयां डाल रखी थी कि उसकी महक से बोले कोरोना ना घुस जाए घर में, इसलिए न जाने कितने प्रकार के छिड़काव कर रखे थे, उसके भयंकर गंध ने खोपड़ी गर्म कर दी। आए थे दिन भर का प्रोग्राम बना करके, पर उस दुर्गंध ने ऐसा मूड खराब किया कि बस राम राम करके तुरंत निकल गए। पांच मिनट भी आप प्रेम से नहीं बैठ सकते। उसी प्रकार ठाकुर जी को हम बुलाना तो चाहते हैं अपने अंतःकरण में, पर हनुमान जी की तरह परम पावन पवित्र अंतःकरण यदि होगा तो जासु हृदय आगार बसहि राम। राम जी महाराज बस गए हनुमान जी के हृदयागार में, क्योंकि हृदयागार परम पावन सुंदर था। और अकेले राम जी नहीं बसे, पूरे परिवार सहित। इसलिए हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने हनुमान जी को बैठा लिया अपने भीतर हृदय में। बोले हनुमान जी का हृदय राम जी का आगार है, घर है, और घर को ही जैसे हनुमान जी वैद्य जी को लेने के लिए गए, लक्ष्मण जी की शक्ति प्रहार जब लक्ष्मण जी को हुआ तो इलाज कौन करेगा? बोले लंका का वैद्य। बोले अयोध्या में कोई वैद्य नहीं था,
बोले अयोध्या में वैद्यों का कारोबार सब ठप था। क्यों? क्योंकि अयोध्या के नर नारी इतने संयमी थे कि दशरथ जी महाराज जीवन में पहली बार सूर्योदय तक जब उन्होंने अपने कक्ष के अपने दरवाजे नहीं खोले तो सारी प्रजा में चर्चा का विषय बन गया कि हमेशा हमारे अवधपति श्री दशरथ जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले 4 बजे आज सूर्योदय तक दरवाजा क्यों नहीं खुला, चर्चा का विषय बन गया। यथा राजा तथा प्रजा, जब राजा ही 4 बजे जग करके संयम पूर्वक आचरण करने वाले हैं तो प्रजा भी वैसे ही आचरण करती है। तो जो 4 बजे उठ करके नित्य नैमित्त सत्कर्म करते हो वो रोगी होते ही नहीं, सदा स्वस्थ मस्त रहते हैं। तो अयोध्या के नर नारी संयम से रहने वाले थे इसलिए डॉक्टरों का कारोबार सब ठप था। अयोध्या में 2 की कमी थी, एक न्यायालय नहीं था, एक औषधालय नहीं था। क्यों? क्योंकि आदर्श रघुवंश था और उस आदर्श रघुवंश के राज्य में इतने संयमित नर नारी थे कि कभी बीमार पड़ते ही नहीं थे। जब बीमारी नहीं होंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे? औषधालय चाहे जितना बढ़िया बढ़िया आप बड़े बड़े औषध, आजकल तो औषधालय 5-स्टार होटलों जैसे होते हैं, खर्चे तो सब हम लोगों से ही वसूले जाते हैं। बोलो राधे राधे। किसी डॉक्टर से यदि ये कहा जाए महाराज कारोबार आपका कैसा चल रहा है तो डॉक्टरों का कारोबार कब चलेगा? जब हम लोग बीमार पड़ेंगे। तो कोई चाहेगा कि डॉक्टरों का कारोबार अच्छा चले? बोलो राधे राधे। तो डॉक्टरों का काम अयोध्या में नहीं, दूसरा न्यायालय नहीं, क्योंकि झगड़े होते ही नहीं, सब नर करें परस्पर प्रीति। जब आपस में प्रेम भाव है तो झगड़े नहीं, झगड़े नहीं तो न्यायाधीश क्या करेंगे? इसलिए न्यायालय और औषधालय अयोध्या में नहीं, इनकी जरूरत लंका में है, जहां 6-6 महीने तक तो सोने वाले पड़े हैं, खाए और सोए। सोने की लंका है ना, दोनों ही अर्थ हैं, सोने की लंका और सोने की लंका, सोने वाले घूप थे। और खाने के नाम पर क्या खाते थे इसका भी कोई ठिकाना नहीं। कहूं महेश मानुष धैनु अज खर नर, निशाचर भक्ष ही। अब बताओ क्या बचा, निशाचर क्या नहीं खाते? महिष भैंसा खा जाए, कहूं महिष मानुष कोई मिल जाए तो व्यक्ति कोई उठा के खा जाए। कितने ऋषि मुनियों को खा गए कि ऋषियों की हड्डियों के पहाड़ बन गए, अस्थि समूह देह देख रघुराया, राम जी ने देखा। तो ऋषि मुनियों को खा जाए, सब कुछ खाने वाले हैं। तो जो सब कुछ खाने वाले जहां होते हैं और अनाप शनाप जब तक मनावे तब खर्राटे बजा के सोने वाले होते हैं, डॉक्टरों की वहीं जरूरत होती है। इसलिए कहां वैद्य मिलेगा? बोले लंका में जाओ। हनुमान जी लंका में गए, वैद्य जी का घर तो मिल गया। हनुमान जी ने सोचा कि यदि वैद्य जी को उठा करके हम ले भी गए खटिया सहित और फिर कहेंगे कि इलाज करो तो ये कहेंगे कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, दवाई तो हमारी वहीं रह गई औषधालय में। तो इलाज न करने के बहाने बहुत हैं, क्योंकि शत्रु का वैद्य है तो दुश्मन का इलाज करने के तमाम बहाने ढूंढ सकता है। इसलिए हनुमान जी ने कहा वैद्य जी को नहीं, पूरे औषधालय को ही उठा करके ले चलते, जो दवाई है निकाल के खाओ खिलाओ। इसलिए हनुमान जी केवल डॉक्टर को ही नहीं लाए, पूरे अस्पताल को ही उठा लाए।
घर सहित वैद्य जी को ला करके रख दिया ताकि कोई बहाना बनाने का अवसर न मिले। ऐसे हैं हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी के हृदय में श्री राम लक्ष्मण जानकी सब विराजमान है। गोस्वामी जी ने कहा ऐसे हनुमान जी हमारे हृदय में बैठ जाएं तो राम जी अपने आप आ जाएंगे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। इसलिए राम जी को ही नहीं हनुमान जी को बैठाया कि हनुमान जी बैठेंगे राम जी अपने आप आ जाएंगे उनके अंतःकरण में बैठ करके। राम जी का अनंत बल है, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। और हनुमान जी कौन है? अतुलित बल धामम, अनंत अतुलनीय बल के भंडार राम जी जिनके हृदय में धाम माने घर, जिनके हृदय भवन में अपना घर बना करके रहते हैं। बस ही राम सर चाप धर।